हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ए साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2022 न्यू ईयर आ रही है। न्यू ईयर में क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइज आपको मिलने जा रही हैं? आप मैक्सिमम दो ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर वन, लापिस लाजुलाई। ग्रुप नंबर टू, सिट्रीन। ग्रुप नंबर थ्री, एमेथिस्ट। ग्रुप नंबर फोर, ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रुप नंबर फाइव, रेड जैस्पर। जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करिए उसी को चूज कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम। चलिए देखते हैं 2022 में क्या मेजर सरप्राइज ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। ओके, मैं टैरोट से भी देखूंगी कंफर्मेशन, कुछ ओरेकल मैसेजेस भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। आपने लैपिस लाजुली चूज़ किया है। चलिए देखते हैं 2022 क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ मैजिशियन नंबर वन कार्ड, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। वाओ, यू हैव टू मेजर अर्काना माय डियर। तो मैं नहीं जानती दूसरी पाइल में कितनी मेजर अर्काना है, बट टू मेजर अर्काना यहाँ पर मौजूद है आपके लिए। डेफिनेटली इज़ अ ह्यूज ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर यू माई डियर। द नंबर वन, दिस इज द एक्चुअली वन कार्ड मैजिशियन एंड द एंड कार्ड ऑफ मेजर अर्काना। तो यहाँ पर आपके लिए एक मेजर साइकिल क्लोज होकर एक न्यू साइकिल पर आप जाएंगे। दिस इज ह्यूज रिबर्थ, ह्यूज न्यू बिगिनिंग्स। किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड एनर्जी, हो सकता है आपका मिसिंग पीस आपको मिल जाए जो 2021 में या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप मैनिफेस्ट करियो। जिस रिदम में कार्ड आई है द मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स, आप मैनिफेस्ट करियो। आप इमोशनली बैलेंस होना चाहते थे, आपकी चक्रास बैलेंस होगी। किंग ऑफ कप्स कुड बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर शैडो सेल्फ, एंड कहीं ना कहीं मिसिंग पीस थी आपकी लाइफ में, कुछ मिसिंग थी एंड जो कंप्लीट हो रही 2022 में द वर्ल्ड एनर्जी है। एंड आपको पता होगा वर्ल्ड इज अ वेरी वेरी फेवरेबल कार्ड, लाइक सन एंड वर्ल्ड का आना मतलब ही है दिस ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर यू 2022 में। ग्रुप नंबर वन, यकीन मानिए एनर्जी इज वेरी वेरी पॉजिटिव। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके सारे हार्ड वर्क यहाँ पर पेड ऑफ होगी। मैजिशियन यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड काम, वर्क, इंजीनियरिंग फील्ड, कंपनी, कोई जॉब फील्ड, वर्क में प्रमोशन, हर तरफ से आपके लिए मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है। आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हो माय डियर। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन, थैंक यू। 2022, थैंक यू। क्या सरप्राइज आ रही है? थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एट ऑफ अर्थ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी हार्ड वर्क, कोई जॉब रिगार्डिंग, करियर, प्रमोशन, फाइनेंस रिगार्डिंग एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने जा रही है। द मर्करी एनर्जी हियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मिस पेट गाइस, थैंक यू। टेन ऑफ फायर, यस, बहुत लगेज एंड दैट्स व्हाई किंग ऑफ कप्स आई है। मैं क्लैरिटी देख रही हूँ हर कार्ड की माय डियर। ओवर वर्क, स्ट्रेस्ड एंड इम्बैलेंस जो थी, आप इमोशनली बैलेंस होने जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंड द वर्ल्ड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड सी दिस टेन ऑफ फायर, टेन ऑफ फायर का मतलब ये नंबर टेन, मैं आपको बोल रही थी ना नंबर वन कार्ड एंड दिस इज द लास्ट कार्ड। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही माय डियर। काफ़ी स्ट्रेस थे आप, काफ़ी इम्बैलेंस थी 2021 में, इवन कुछ पास्ट ईयर से ही आपकी हालत यही है माय डियर, पूरी तरह से बिखरी हुई। थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू, थैंक यू द वर्ल्ड कार्ड, थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू। एंड सी दिस इज द व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड लेने की जरूरत नहीं है माय डियर, दिस सो फ्रूटफुल एंड द गुरु एनर्जी, ब्लेसिंग्स, समय की पहिया आपकी लाइफ में घूमने जा रही है माय डियर। क्वीन ऑफ फायर इज अ वेरी सक्सेसफुल एनर्जी, जो अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, इमोशनली वो बैलेंस हो रही है। एंड क्वीन ऑफ फायर इज वेरी वेरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, काफ़ी अपने ऑरा में एक पर्सन यूनिक है। आप मेल फीमेल जो भी है, लोगों की अट्रैक्शन में आप जा रही हो। एंड कहीं ना कहीं मर्करी कोई दुबला पतला हो रही है, अपनी फिगर को लेकर कोई कंसर्न है, एक डाइट चार्ट बना रही है, हेल्थ को लेकर, बिकॉज क्वीन ऑफ फायर को लेकर लोग काफ़ी चर्चा करते हैं,
चाहे आप मेल फीमेल जो भी अंदर स्टार एनर्जी हियर माय डियर, डेफिनेटली आपके लाइफ में वो मेजर ब्लेसिंग्स हीलिंग का है एंड ऑलरेडी वो प्रोसीड्यूर चल रहा है माय डियर। 2022 में वो एग्जीक्यूट होगी। इट्स अ वेरी वेरी फेवरेबल इवन यहाँ पर मुझे एक मैरिज का भी वाइब्स आ रही है बिकॉज द व्हील गुरु हियर एंड द वर्ल्ड कार्ड के नीचे गुरु है तो यहाँ पर मैरिज के लिए ये स्ट्रॉन्ग चांस बनाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कुछ उड़ाकेल मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं? ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2022 में? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। हार्वेस्ट का मतलब ही है जो सीड आपने लगाई है वो अब रिजल्ट दे रही है। सारी चीज़ें जो भी हार्डवर्क है परसिवरन से सब कुछ पेड ऑफ हो रही है। आप डांस कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रही हो, अपनी मेहनत का जो फल है आपको मिल रही है आप सेलिब्रेट कर रही हो माय डियर। हार्वेस्ट इज अ फ्रूटफुल एनर्जी सर अबंडेंस। थैंक यू एंड डांस की एनर्जी आ रही है माय डियर। आप सेलिब्रेट कर रही हो 2022 को। आपकी सारी रिपेंटेंस दूर हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। वन मोर कार्ड। थैंक यू। एथरिक कॉर्ड्स माई डियर, यहाँ पर फर्टिलिटी भी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो बच्चे की एनर्जी एंड फर्टिलिटी मीन्स न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग्स माई डियर। 27 एंड 43, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 1 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है 2022 में माई डियर। पर्टिकुलरली ये कार्ड एम्प्रेस का एनर्जी है माई डियर। आपकी पास्ट जो कॉर्ड कनेक्शन थी वो रिलीज हो रही है एंड वर्दीनेस, वो तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है ही माय डियर। वर्दीनेस, वर्दी फील करना, अपने लिए कुछ करना। जब आप सेल्फ लव करते हैं दुनिया आपको प्यार करेंगे माय डियर। इनमें कोई दो मत है नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा स्टार की एनर्जी नज़र आ रही है। घड़ा से यहाँ पर कुछ जैसे कप में कुछ डाला जा रही है तो जो खालीपन थी वो यहाँ पर फुलफिल हो रही माय डियर। एंड मैनिफेस्टेशन, आपके पास यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन, लॉन्ग टाइम से जो चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रही थी वो चीज़ें आपको मिल रही है, वो डिज़ायर फुलफिल हो रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस। सो पास्ट में आपने क्या खोया है उसको लेकर रिपेंटेंस, उसको लेकर आप मत सोचिए माय डियर। आगे की जीवन बहुत फ्रूटफुल है आपकी। थैंक यू। ए टाइम फॉर हीलिंग, तो डेफिनेटली 2022 में आपको हर साइड से वो हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स की ओर से एंड सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून की एनर्जी है माय डियर। फुल मून फुल पावर, फुल विक्ट्री। एंड 2022 में जब भी फुल मून डे आएगा कुछ ना कुछ उस दिन में या फिर मान लीजिए फुल मून डे के टाइम अगर आप मैनिफेस्ट करते वो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं 2022 में क्या सरप्राइज, क्या मेजर ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने जा रही है। ओके, हम टैरोट से भी देखेंगे, ओरेकल मैसेजेस भी हम देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। आपने 16 चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं। थैंक यू। 5 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स। थैंक यू। स्ट्रेंथ कार्ड अपराइट। ओके, मोटी मोटी स्टेटमेंट में अगर मैं कहूँ, नंबर 1, आपकी अगर कोई हेल्थ इशू, आपकी और आपके परिवार के बीच कोई किसी सदस्य का अगर कोई हेल्थ इशू चल रही थी वो रिकवर हो रही है। एक मेंटल हेल्थ इशू वो रिकवर हो रही है। ग्रुप नंबर 2 की बहुत सारे व्यूअर्स 2021 में सेशन थेरापी, हीलिंग थेरापी, शैडो वर्क किया है वो कंप्लीट होने जा रही है। ये कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है माय डियर। कोई एडिक्शन थी वो रिलीज होगी। पर्टिकुलरली 5 ऑफ शॉर्ट्स एक राजनीति भी है, पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी की भी बात करता है। ऐसे लोगों को आप अवॉइड कर रही हो, वो आपकी लाइफ से दूर जा रही है। जजमेंटल लोग आपकी लाइफ से दूर जा रही हैं। आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स के ओर से। ये जो लायन है, बीस्ट है, पशु है, इनमें बहुत सारे नेगेटिविटी है, वो सब कुछ रिलीज हो रही है। धीरे धीरे वो कंट्रोल हो रही है। आपकी 5 सेंसेस आपकी कंट्रोल में आ रही, आपकी माइंड आपकी कंट्रोल में आ रही है। पास्ट की कुछ गलतियाँ को लेकर जो रिपेंटेंस थी वो हील हो रही माय डियर। पास्ट ऊंड यहाँ पर हील्ड हो गया आपकी लाइफ में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड पर्टिकुलरली प्रोफेशनल फील्ड में, वर्क फील्ड में, घर में कुछ राजनीति, कुछ कॉन्स्पिरेसी अगर चल रही थी उससे अब रिलीज हो रही हो। ये जो एक्चुअल में कार्ड आई है रिदम, अगर मैं जोड़ूँ तो इट्स एक्चुअली 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी।
इट्स एक्चुअली द वर्ल्ड एनर्जी. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, लेट्स सी. थैंक यू फाइव ऑफ शोर्स. थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए. थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू, थैंक यू. ओ माय गुडनेस, दो कार्ड आ गए हैं माय डियर. एट ऑफ शोर्स, सी दिस एट ऑफ शोर्स. मैं आपको बोल रही थी 2021 में आप काफ़ी स्टक महसूस किया है. एक सेल्फ डाउट एनर्जी, कन्फ्यूशन में आप थे, जैसे आप बंधे हो, जैसे किसी ने हाथ को आपको जैसे फ्री स्पिरिट को भी बांध के रखा. आप मनचाह चीज़ नहीं कर पाई हो 2021 में, या फिर ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ है. मैनिफेस्टेशन आपको लग रहा है कि सबके मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है, मेरा नहीं हुआ है. तो एट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, स्टक महसूस करना, वो डेफिनेटली किया है आपने माय डियर. एंड वो रिवर्स में कार्ड आई है, फाइव ऑफ शॉर्ट्स इज़ वेरी गुड. एंड नाइन ऑफ ईयर रिवर्स में आई है, बट मैं क्लैरिटी रिवर्स में नहीं देखूंगी. नेगेटिविटी, वरी एंड स्लीपलेसनेस. आप तो 2021 में तो आपका हालत बहुत ख़राब दिखाई दे रही माय डियर. एट एंड नाइन बैक टू बैक, एंड दोनों शॉर्ट्स एनर्जी. मेंटल इशू, जैसे हाइपरटेंशन इशू, एंग्जाइटी इशू आपको बहुत तंग किया है. ग्रुप नंबर टू की यहाँ पर मेंटल हेल्थ इशू मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है. मून का ऊपर कोई मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होना, मून का नेगेटिव हाउस में कोई त्रिक भाव में जाना, सिक्स एट ट्वेल्थ और थर्ड हाउस और राहु सैटर्न ऐसी केतु किसी का मैलिफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्शन कुछ ना कुछ आपकी है माय डियर. सिर्फ 2021 को लेकर नहीं है, ये पाइल अफेक्टेड है, ये पाल बहुत सालों से अफेक्टेड है. मतलब किसी ना किसी वो एक्सटर्नल एनर्जी से की थ्रू से हो, किसी रिलेशनशिप के थ्रू से हो, जॉब नहीं मिल रही, करियर में फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम, मतलब एक स्ट्रगल एनर्जी, एक स्ट्रगलफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. एंड 2021 का सिर्फ नहीं, ये लॉन्ग टाइम से चल रहा है आपकी लाइफ में माय डियर. एंड फाइव ऑफ शॉर्ट्स, मेजर एनर्जी रिवर्स में आई है, आप निकल रहे हो सिचुएशन से. थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू, थैंक यू स्ट्रेंथ गाइड. थैंक यू, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड. थैंक यू. वाओ, आई एम सो हैप्पी माई डियर, आई एम रियली सो हैप्पी. दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड अगेन, लियो एनर्जी. मैं नहीं कह रही हूँ आपका लियो साइन प्रोमिनेंट है, नो, सन एनर्जी प्रोमिनेंट है, हो सकता है, बट सन दबा हुआ है माई डियर, सन अफेक्टेड है. ये पाइल अगर सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होता तो इनका हालत ऐसे नहीं होता. सोल अगर मजबूत स्थिति में है तो यहाँ पर मून का एनर्जी हावी नहीं होता, इनका मून एनर्जी हावी है ग्रुप नंबर टू में. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. एंड टेन ऑफ अर्थ, चिंता मत कीजिए माय डियर. टेन ऑफ पेंटेकल्स, टेन एंड इलेवन एनर्जी, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, अबंडेंस आ रही है, मनी आ रही है, स्ट्रेंथ कार्ड, फाइनेंशियल इवेंट. टेन ऑफ अर्थ फैमिली को भी दिखाते हैं, आपका फैमिली एक्सटेंड हो सकती है. फर्टिलिटी को रिगार्डिंग अगर दिक्कत चल रही थी, फर्टिलिटी रिगार्डिंग यहाँ पर एक ब्लेसिंग साड़ी है, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ अर्थ में एक बच्ची का भी एनर्जी होती है. हो सकते बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर पेट अडप करेंगे. पर्टिकुलरली कुछ करना चाहिए सोशल वर्क, ग्रुप नंबर टू आपके लिए कुछ ना कुछ सोशल वर्क, छोटी मोटी मदद ज़रूर कीजिएगा नीडी पर्सन को अपने सामर्थ्य अनुसार. एंड देखिए टू टाइम्स स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड की क्लैरिटी में स्ट्रेंथ कार्ड आई है, करेज, कंपैशन एंड परसिवरेंस. मैं तो आपको बोल रही थी आपकी सारे हार्ड वर्क, परसिवरेंस यहाँ पर पेड ऑफ होगी. नंबर 11 एनर्जी हियर माय डियर, यहाँ पर मैरिज भी हो सकती है, बिकॉज 10 एंड स्ट्रेंथ एनर्जी हियर बैक टू बैक आई है. यहाँ पर मैरिज हो सकती है, फैमिली एक्सटेंड होगा. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. चलिए देखते हैं कुछ उड़ाकल मैसेजेस. थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए. थैंक यू. कोई स्पिरिचुअल वर्क करता है ग्रुप नंबर टू में, बहुत सारे यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु जैसे है, जैसे स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, ऐसे पोटेंशियल है ग्रुप नंबर टू के व्यूअर्स में, कुछ व्यूअर्स में, सभी में नहीं है आई नो, बट कुछ व्यूअर्स में वो पोटेंशियल है, आगे जाकर एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं. जैसे एक लाइट वर्कर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए, क्या ब्लेसिंग आ रही 2022 में. थैंक यू, इट्स अ ह्यूज मून एनर्जी. थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. ट्रूथ 34, ट्रूथ एनर्जी, वन मोर का ट्रूथ रिवील्ड होना. थैंक यू. एंड ग्राउंडिंग, वो तो आपको मैं बोल ही रही थी, टेन ऑफ पेंटेकल्स स्ट्रेंथ कार्ड भी ग्राउंडिंग एनर्जी की ही बात करता है, कि जो भी स्थिति थी एक एंकर की एनर्जी, जैसे मैंने झंडा गाड़ दिया है,
सारी जो आपकी कैवस कन्फ्लिक्ट थी वो रिलीज़ हो रही है, आप स्टेबल हो रही हो। बॉडी में जो टॉक्सिसिटी थी वो रिलीज़ हो रही है, आप स्टेबल हो रही हो। ट्रूथ का एनर्जी में देखिए, ट्रूथ में ये जो पर्सन है वो अपने एनर्जी को मिरर कर रही है, सच्चाई को देख रही है, रियलाइज़ हो रही है मैं कौन हूँ, मेरी पर्पस क्या है, मुझे किस टाइप की पार्टनर चाहिए। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन आना क्या चाहिए आपको लाइफ में, तो मंजिल दूर नहीं होगा माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक रेडिकल रिबर्थ, रेडिकल रिबर्थ, ए एनर्जी बहुत ह्यूज एंड सी दिस टू लायन हियर। मैं क्या कहूँ, लायन आपकी स्प्रिट हो सकती है माय डियर, एनिमल स्प्रिट। लायन इज़ वेरी पैशनेट, कंपैशन भी जुड़ी होती है, पैशन भी जुड़ी होती है लायन के साथ, एक रॉयल्टी जुड़ी होती है लायन के साथ, कॉन्फिडेंस जुड़ी होती है। तो वो कॉन्फिडेंस, सोलर प्लेक्स चक्र ओपन हो रही है आपकी ग्रुप नंबर टू एंड नंबर फाइव एनर्जी। सरेंडर कीजिए माय डियर एंड सी दिस, एक बच्चे जैसे यू नो, माँ जैसे उसको स्तन से दूध पिला रही है, तो फर्टिलिटी की भी एनर्जी है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए। थैंक यू 2022, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वेनिंग मून, वो तो आप रिलीज़ करेंगे माय डियर, क्योंकि फाइव ऑफ शॉर्ट्स आया है, तो आप चाहे ना चाहे तकदीर यहाँ पर ऐसे सिचुएशन खड़ी करेंगे, आप मजबूर होंगे नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी अब आने जा रही है। तो यहाँ पर स्पेस को क्लियर करना होगा, जो नेगेटिविटी है इससे भरी हुई है, वो स्पेस को क्लियर करने के लिए डेफिनेटली आप रिलीज़ करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। जब तक स्पेस खाली नहीं करेंगे तो नया चीज़ कैसे आएगी आपकी लाइफ में माय डियर। एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, कुछ कंप्रोमाइज़ की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डे के पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन, फुल मून एंड कैंसर एनर्जी माय डियर। एंड दोनों जगह पर एक लहरे की एनर्जी आ रही है, समुंदर की एनर्जी आ रही है। एंड दिस इज़ एक्चुअली स्नोफॉल हो रही है, तो कोल्ड डिटैच एनर्जी से अब रिलीज़ हो रही है माय डियर। डिजर्ट एनर्जी में वो जैसे पानी आ रही है माय डियर। तो यहाँ पर हार्ट चक्र भी हील होगी आपकी, एंड आपका सिक्स चक्र भी हील होगी, एज वेल एज आपकी बेस बन रही है, प्लेटफॉर्म, बेस प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू, मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर थ्री, वेलकम, चलिए देखते हैं 2022 में क्या मेजर सरप्राइज ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने जा रही हैं। ओके, मैं टैरो से भी देखूंगी, ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी, गाइडेंस भी। चलिए देखते हैं, अमेथिस्ट चूज किया है ग्रुप नंबर थ्री आपने, इंट्यूशन, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन, मून एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। नाइट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही अपराइट आई है माय डियर। काफ़ी टाइम से आपको किसी चीज़ का वेट है, नाइट ऑफ कप्स लेकर आ रही है। नाइट ऑफ कप्स के हाथ में जो कप्स है वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है, वो एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है, इम्पॉर्टेंट ऑफर है। यू आर वेटिंग फॉर दिस, आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से आपको वो चीज़ का वेट है। इट कुड बी जॉब, वर्क, करियर, रिलेशनशिप, पार्टनर, वट एवर, बट थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको उम्मीद है। एंड नंबर एक वॉन्ड्स की यहाँ पर कमी है, जो शायद नाइट ऑफ कप्स के हाथ में वो वॉन्ड्स हैं। एंड आप जानते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स से मैरिज का कार्ड नहीं है, फोर ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन, जो आपने हार्ड वर्क किया है वो आप सेलिब्रेट कर रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार है। एंड इनके हाथ में वो वर्ड्स है माय डियर, तो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं माय डियर, किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन की ओर से और किसी इम्पॉर्टेंट जगह से आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होगी ग्रुप नंबर थ्री। एंड दिस ह्यूज वाटर एनर्जी नाइट ऑफ कप्स, आपकी सिक्स चक्र यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगे, आपकी इंट्यूशन। आप अगर इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुई हो तो डेफिनेटली आपका सिक्स चक्र है जो स्टेजेस में है, ओपन होने की स्टेजेस में है। इट्स लाइक ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, नाइट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तीसरा नेत्र का ओपन होना। एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जाएंगे, थैंक यू। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब वो कैरियर, जॉब रिगार्डिंग, कोई प्रमोशन हो, कोई ट्रांसफर हो, कोई रिलोकेशन हो, घर परिवर्तन हो, घर खरीद कर दूसरी जगह पर जाना हो, यहाँ पर एक रिलोकेशन मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू, थैंक यू नाइट ऑफ कप्स, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई विल टेक इट, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ वाटर, वाओ क्या बात है। नाइट ऑफ
कप्स के क्लैरिफिकेशन में यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर, लविंग, गिविंग एंड साइकिक, थैंक यू। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगी माय डियर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेल्फ केयर की भी बात करता है एंड एक पोजिशन, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो एक्चुअल में एक थोड़ी मैच्योर एनर्जी है, बट क्लैरिटी में क्वीन ऑफ वाटर एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली एनर्जी पहली बात तो मैच्योर हो रही है। आपकी इंट्यूशन और भी स्ट्रांग हो रही है, एडवांस लेवल पे जा रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर इंट्यूशन के मामले में बेस्ट है। दिस पर्सन इज साइकिक, इसीलिए मैं आपको बोली थी माई डियर दिस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट होकर इस रीडिंग को देख रही हो, सो डेफिनेटली आपके सिक्स चक्र ओपन हो रही है, टेलीपैथिक कनेक्शन आप फील करेंगे किसी पर्सन के साथ, थैंक यू। एंड ये एनर्जी सेल्फ केयर की भी बात करता है माई डियर, आप अब खुद पर भी फोकस करेंगे, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू। एट ऑफ फायर, यस, यहाँ पर ट्रैवल है माय डियर, दिस इज एट ऑफ फायर एनर्जी। यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, ट्रैवल दिखाई दे रही है, एंड एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम माय डियर। लाइफ में जो गति रुक गई थी आपकी, जीवन जैसे थमसा गया था, उस जगह पर गति आ रही है आपकी लाइफ में। एंड इट्स ऑल अबाउट, हर वांड्स में एक पर्ल है, हर वांड्स की एक जैसे एंजल एक पर्ल को लेकर आ रही है, एंजल विंग्स, आपको विंग्स काफ़ी दिखाई देंगे, फेदर, एंजल फेदर्स, वो किसी लैपटॉप में हो, सेलफोन में हो, आप कोई काम कर रही हो, फेदर दिखाई दे रही है, फेदर आपको बहुत दिखाई देंगे। एंड पर्ल की एनर्जी है, पर्ल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट पर्ल अगेन मून की एनर्जी है, तो यहाँ पर इंट्यूशन चक्र तो आपका ओपन होगा ही माय डियर, टेलीपैथिक कनेक्शन आप फील करेंगे, एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लाइक पर्ल। किसी टाइम पास करने के लिए जैसे कुछ एनर्जी नहीं है माय डियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। 2022 ग्रुप नंबर थ्री के लिए, थैंक यू। 2022 ग्रुप नंबर थ्री के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग आ रही है, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थ्री ऑफ फायर, वाओ, अगेन थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सी दिस एनर्जी इज हैवी माई डियर, गोल्स, एक्सपेंशन, विजन, जो सरकमफेरेंस है ना आपका, वो बढ़ रहा है माई डियर, ग्रोथ है। थ्री ऑफ फायर इज अ ग्रोथ कार्ड, बस आप नाव में यू नो चढ़ने ही वाले हो एंड दूसरे बीच पे आप जा रही हो, ग्रोथ का एनर्जी है, ह्यूज ग्रोथ, इज अ प्रमोशन, इट कुड बी प्रमोशन, यू नो इंक्रीमेंट बढ़ना, एक जॉब मिलना, काफ़ी टाइम से आपने एग्जाम वगैरह देकर रखी हो 2021 में, 2022 कैरियर, जॉब, फाइनेंस के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, इवन रिलेशनशिप के लिए भी माय डियर, क्योंकि आपकी लाइफ एक्सपैंड हो रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, गोल फुलफिल हो रही है आपका, एंड देखिए टू टाइम्स थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हियर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, एंड थैंक यू। हर्मिट एनर्जी इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड थ्री ऑफ अर्थ अगेन, तो यहाँ पर एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ऊपर से कार्य क्षेत्र में आपका गोल जो है, लक्ष्य जो है, एम्बिशन जो है, वो फुलफिल होने जा रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर बिजनेस करेंगे, कुछ कोलाबोरेट करेंगे दूसरे पर्सन कंपनी में, कुछ ना कुछ यहाँ पर पार्टनरशिप भी मुझे नजर आ रही है माई डियर, थैंक यू। यस, द स्ट्रेंथ कार्ड हियर, आप रिकवर करोगे माय डियर, पास्ट के सारे सिचुएशन से आप रिकवर कर आगे बढ़ोगे, पास्ट की जो क्रिटिसिज्म थी, जो कमेंट थी, उसको पार कर आप आगे जा रही हो माय डियर, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यहाँ पर ह्यूज ट्रैवल एनर्जी है माय डियर, मतलब जर्नी आप करेंगे माय डियर, वो मैरिज के थ्रू से हो या फिर जॉब के थ्रू से, क्योंकि दोनों चांस से 50-50 बनी हुई है, मैरिज एंड जॉब, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर थ्री के लिए क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, थैंक यू। 2022 में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डांस करो, मैनिफेस्टेशन, सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो गया, एंड गॉड को थैंक यू कहो, मैनिफेस्टेशन नंबर नाइन एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। एथरिक कॉर्ड नंबर 27, इंटरेस्टिंग, बैक टू बैक नंबर नाइन एनर्जी हियर, नंबर नाइन इज रूल बाय मार्स एनर्जी, एंड बैक टू बैक ट्रिपल नाइन आपको काफ़ी दिखाई दे सकती है, नंबर 27, नंबर नाइन, नंबर थ्री, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यहाँ पर फर्टिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होगी माय डियर, एंड इथरिक कॉर्ड, पास्ट की जो कॉर्ड थी वो पहले बात तो कट होगी आपकी लाइफ में, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे, आप और टाइम पास के लिए कुछ करेंगे नहीं माय डियर, 2022 में आप रियलाइज़ करोगे कि मैं कौन, करना क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, एंड जो भी आगे होगी आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपकी लाइफ पर्पस अकॉर्डिंग ही होगा माय डियर, एंड रेडिकल रिबर्थ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर,
रेडिकल रिबर्थ का मतलब ही एक रिजनरेशन, इट्स लाइक एक एट हाउस एनर्जी जो साइकिल में आप लॉन्ग टाइम से स्टक थी, आप रिलीज कर रहे हो माई डियर। उस साइकिल से बाहर जाकर एक न्यू साइकिल में आप आने जा रही हो। एंड ह्यूज ग्रोथ एनर्जी हियर ग्रुप नंबर थ्री आपके लिए। एंड थ्री एनर्जी हियर, आपने थर्ड पाइल है बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्री की एनर्जी आ रही है, 333, 999। थैंक यू मिस स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, फुल पावर, फुल विक्ट्री। डिवाइन टाइमिंग के आपकी लाइफ में सब कुछ होता है माय डियर। थैंक यू, आपके हाथ में कुछ नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिव अस मून एनर्जी। येस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक वर्ड्स की कमी है, आते ही आप कंप्लीट हो जाएंगे माय डियर। एंड बैक ऑफ द डेक, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्यूरेस एनर्जी है माय डियर। तो आपकी हिडन टैलेंट बाहर आएंगे माय डियर, लोग अप्रिशिएट करेंगे। एक्यूरेस एनर्जी डेफिनेटली लोग अप्रिशिएट करेंगे, गुरु अभी एक्यूरेस में है, तो कुछ ना कुछ आपका प्लान है जो आप एग्जीक्यूट करेंगे एंड काफ़ी फ्रूटफुल होगी 2022 में जाकर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर थ्री, मैं मिलती हूं नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर फोर, चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइज 2022 में आपको मिलने जा रहे इस न्यू ईयर में। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, आपने ग्रीन एवेंचुरियन चूज किया है। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाह, हद हो गई। द फर्स्ट कार्ड इज डेविल अपराइट। ओके, किंग ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, क्या बात है। इट्स ऑल अबाउट बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑल अबाउट कैरियर, जॉब, वर्क, बिजनेस। इट्स ऑल अबाउट मनी, फाइनेंस माई डियर। आपकी 2022 काफ़ी लग्जरियस होने वाली है, काफ़ी लाविश लाइफ आप लीड करेंगे, अपने लिए आप बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। यहाँ पर कपल मौजूद है, किंग ऑफ पेंटेकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, डेफिनेटली मैरिज के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग चांस बनी हुई है। लव कम अरेंज मैरिज बिकॉज द डेविल हियर, लव कम अरेंज मैरिज, परिवार पहले मानेगा नहीं, बाद में जाकर कन्विंस्ड होंगे। थोड़ी यहाँ पर पुश करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। एंड द डेविल यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर, आपके लिए खर्चा भी बहुत करवाएंगे माय डियर, बट मनी को लेकर चिंता मत कीजिए। यहाँ पर किंग एंड क्वीन बैठा हुआ है, 2022 में आप भोग करेंगे। सिंपली अगर मैं कहूँ 2022 भोग का है, जो मनी है आप भोग करेंगे, मनी रहेगा भी, सेविंग्स भी होगा। अगर ये दो कार्ड नहीं होती तो मैं कहती कि मनी को लेकर एक चिंता का विषय है माय डियर, पर जहाँ पर किंग क्वीन मौजूद है, एंड डेफिनेटली डेविल इज अ मेजर अरकाना, डेफिनेटली खर्चा मेजर है बट बचाव भी है। यहाँ पर किंग क्वीन दोनों मिलकर यहाँ पर अर्निंग्स कर रही है, किंग क्वीन एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। दिस इज अ कपल हियर, डेफिनेटली मैरिज भी प्रोमिनेंट होगा, बट अगेन मैरिज में थोड़ी दिक्कत शुरू में हो सकती है बट आगे जाकर कन्विंस हो रही है क्योंकि ये कपल है, डेस्टाइंड है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो ये मैरिज तक बात पहुँचेंगे। एंड फॉर मैरिड कपल यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों में पैशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ कि ये डेविल कार्ड को यहाँ पर किंग एंड क्वीन सपोर्ट करे, कोई नेगेटिव कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो डेविल को यहाँ पर नेगेटिवली मत देखिए, डेविल यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस सेक्टर, मनी, लविश लाइफ, इस टाइप की भी पैशन, सेक्स को दिखा रही है और नेगेटिव इशू यहाँ पर नहीं है। किंग एंड क्वीन यहाँ पर मौजूद है कपल होकर, तो रेस्ट एश्योर। चलिए देखते हैं, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। यहाँ पर फर्टिलिटी भी स्ट्रॉन्ग करेंगे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की बिकॉज ऑफ डेविल हियर। अगर आप मैरिड हैं, अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर, अगर आप मेल फीमेल जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप मैरिड है और इन रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर कुछ दूसरे पर्सन यहाँ पर थोड़ी आप दोनों के रिलेशनशिप में बीच में घुसने की कोशिश करेंगे, बट कोशिश ही करेंगे, बस उतना ही, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे ये पर्सन। थैंक यू, चलिए देखते हैं डेविल एनर्जी। थैंक यू द डेविल एनर्जी, थैंक यू। या फिर आप ऑपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, फॉल इन लव, लव एट फर्स्ट साइट, बिकॉज ये कार्ड टेम्पटेशन का है। बट अगेन मैं आपको कह रही हूँ, कार्ड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ किंग एंड क्वीन हियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, यस द सन एनर्जी, सक्सेस, रिकॉग्निशन, एंथुजियाज्म। तो यहाँ पर डेविल की क्लैरिफिकेशन में सन आई है माय डियर, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये ईयर आपके लिए सिर्फ सक्सेस ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है। इट्स ऑल अबाउट मनी, ऑल अबाउट फाइनेंस एंड सक्सेस। तो एक वर्कहॉलिक, इज अ ह्यूज वर्कहॉलिक 2022 एनर्जी। थैंक यू
किंग ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई स्पिरिट गाइड। क्या बात है, दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड इनकी क्लैरिटी में आई है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबल एंड सपोर्टिव। मैं आपको बोल रही थी मनी रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मनी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, फाइनेंस रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट, इस टाइप की चीज़ें आप 2022 में बहुत ज़्यादा करेंगे माई डियर। कुछ ना कुछ आप करेंगे, कुछ ऐसे बिजनेस खोलेंगे, कुछ ऐसे प्लान है आप एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल्स लॉन्ग टर्म पे कुछ सोचता है, भविष्य को देख कर सोचने वाले एनर्जी। वो नाइट ऑफ कप्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स इज वेरी मैच्योर्ड। थैंक यू, इज अ ह्यूज पेंटाकल एनर्जी, सन एनर्जी, थैंक यू क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थ्री ऑफ अर्थ, क्या बात है, ग्रुप नंबर फोर, इतने सारे अर्थ एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी, लियो कैप्रिकॉन एंड अगेन डेविल इज अ कैप्रिकॉन एनर्जी, टैलेंट रिकॉग्निशन कोलाबोरेशन, यस मुझे वो वाइब्स आ रही थी, कोलाबोरेशन का, पार्टनरशिप का, आपके टैलेंट, आपकी हिडन टैलेंट निखर करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड थ्री ऑफ अर्थ, लोग अप्रिशिएट करेंगे, इट कुड बी प्रमोशन, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा वो जॉब करियर में माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने जा रही हैं, थैंक यू। ग्रुप नंबर फोर की लाइफ में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने जा रही हैं, थैंक यू। नाइन ऑफ वाटर मतलब नाइन ऑफ कप्स, विशेस ड्रीम्स हैप्पीनेस, ग्रुप नंबर फोर, विश फुलफिल होने जा रही है माय डियर, विश फुलफिल होने जा रही है। एंड बैक ऑफ द डेक टेन ऑफ कप्स, क्या बताऊँ मैं आपको, फैमिली एक्सटेंड हो रही है यहाँ पर, फैमिली लव ब्लेसिंग्स की एनर्जी, सो ह्यूज ह्यूज ग्रेट ब्लेसिंग्स माय डियर, ट्रस्ट कीजिए माय डियर। यहाँ पर 10 आपका बैक ऑफ द डेक आई है, दिस इज अपर कार्ड, नाइन ऑफ वाटर एनर्जी। पहली बात तो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम कैवस चल रही थी वो रिजॉल्व होने जा रही है आपकी लाइफ में। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी ना, डेविल यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, आपकी ड्रीम्स फुलफिल होने जा रही है। यहाँ पर फैमिली बन रही माय डियर, किसी की फैमिली एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की फर्टिलिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेंगे बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जी हियर, एंड यहाँ पर मेजर ब्लेसिंग्स ही आई है आपके लिए, दिस इज द 10 ऑफ कप्स एनर्जी हियर। सुकून का कार्ड है, जैसे पीस रिस्टोर्ड होगी, फैमिली वैकेशन टूर ट्रैवल करना, रोमांटिक टूर ट्रैवल पे जाना, मैरिज का भी कार्ड है माय डियर, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स आपका विश थी, 10 ऑफ कप्स ने उसको फुलफिल किया है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर फोर की लाइफ में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने जा रही 2022 में, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Wounded healer, checkmate, आप wounded healer की एनर्जी है माय डियर, नंबर 15, ऊंट सो थी वो हील हुआ है एंड आप wounded healer है माय डियर, थैंक यू। एंड आपने ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है, एंड एवेंचुरिन का मतलब ये हीलिंग, थैंक यू। डांस करो माय डियर, यस डांस करो, हार्वेस्ट एनर्जी, दिस इज एक्चुअली फ्रूटेशन, दिस इज एक्चुअली कार्ड ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लक, ये गुरु की एनर्जी है माय डियर, हार्वेस्ट का एनर्जी, जो आपने सीड लगाई थी अब वो फल दे रही है माय डियर। एंड कॉर्न का एनर्जी है, ये बहुत ही एक ऑस्पिशियस सिंबल है, जैसे मशरूम का एनर्जी होती है, जैसे यू नो मशरूम, पर्टिकुलरली बिजनेस में मशरूम एनर्जी मतलब स्प्रेड कर रही है आपकी बिजनेस, यश आ रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है, लीगेसी आप क्रिएट कर रही हो 2021 में, जो भी किया है उसको जैसे कोई जैसे फ्रूटफुल रिजल्ट उनको मिलने जा रही है 2022 में, हार्वेस्ट एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड एंड बैक ऑफ द डेक, थैंक यू। गुड जूजू, वाओ, गुड जूजू कार्ड का मतलब ये है बैलेंस माय डियर, दोनों यहाँ पर दो हाथ में दो मिरर है एंड दो एनर्जी, नंबर 7 एनर्जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। गुड जूजू आपको सब कुछ दिलाने वाले होंगे माय डियर, यकीन मानिए, गुड जूजू मतलब आपकी सारे, अगर आप एक होली स्पिरिट हैं तो ये सब कुछ ये स्पिरिट देने वाले होंगे माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, दिस अ वेरी ऑस्पिशियस सिंबल, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, थैंक यू क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, थैंक यू। ग्रुप नंबर फोर की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये बहुत ज़रूरी है माय डियर, जब आप मैनिफेस्ट करते हो किसी चीज़ को लेकर तो ड्रीम्स पर ट्रस्ट रखना, स्पिरिट पर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू
थैंक यू मिस पेट गाय, थैंक यू। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉन। डेफिनेटली माई डियर, एक साइकिल कैप्रिकॉन इज अ 10th हाउस, अगेन प्रोफेशनल फील्ड, करियर, जॉब, फाइनेंस, तो उस जगह पर आपको एक मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। 2022 में बोल रही थी ना, हार्वेस्ट एनर्जी है, जिसे आप कार्ड ऑफ अबंडेंस, सक्सेस, तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो माई डियर। ओ माई गुडनेस, सी दिस अगेन द कैप्रिकॉन एनर्जी, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। एंड द लिब्रा, दोनों ही सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्ट हो जाते हैं, एंड कैप्रिकॉन उनका खुद का साइन है माई डियर। तो यहाँ पर करियर में, जॉब में मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इवन रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होने जा रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 4, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो, वेलकम, लास्ट वन नॉट द लीस्ट, माई ग्रुप नंबर 5। 2022 मेजर ब्लेसिंग्स, क्या मेजर सरप्राइज आपकी लाइफ में आने जा रही है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 5, अपने रेड जैस्पर चूज किया है। रेड जैस्पर पैशन का एनर्जी है, बेस चक्र का एनर्जी है, मार्स का एनर्जी है। चलिए देखते हैं। थैंक यू मैं स्पीड कर, मैं ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी एंड मैं टैरो से भी देखूंगी। ओके, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, योर फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स, वो खजाना का वो चाबी मिल गई, वो नक्शा माय डियर। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, वाओ, एंड सिक्स ऑफ वॉन्स, कार्ड ऑफ विक्ट्री। ओके माय डियर, कौन रोक सकता है आपको। ग्रुप नंबर 5, एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, एंड बीचों बीच क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। आप सोच ही लीजिए, सिक्स एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगिनिंग, जिस रिदम में कार्ड आई है आपकी, एस ऑफ कप्स काफ़ी टाइम से शायद इस घड़ा के तलाश थी आपको। ये घड़ा जो है वो धन का घड़ा हो सकता है आपके लिए, कोई रिलेशनशिप का हो सकता है, क्योंकि चाबी मिला है आपको, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिला है इनको, इस घड़ा को खोलने की। क्या है इसके अंदर, सब कुछ आपको दिखाई दे रही है, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग्स। एस ऑफ कप्स इज अ ह्यूज ह्यूज रिबर्थ का एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग्स का एनर्जी है माय डियर। जैसे आप फिर से एक नया शुरुआत आप करने जा रहे हो माय डियर, कुछ ना कुछ एक नया स्टार्ट। एस ऑफ कप्स इज अ न्यू डोर, न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ, एंड पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के मामले में। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स अपनी ऑरा में यूनिक है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, चाहे आप मेल फीमेल जो भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है कॉन्फिडेंस। 16 प्लस चक्र इनका हमेशा ओपन रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी क्वीन ऑफ वॉन्ट्स को नहीं है। ये किसी मदद लेने के लिए भी एक रेडी नहीं है, एक खुद का काम खुद करेंगे, एंड लोग इनको अप्रिशिएट करें बिकॉज ऑफ सिक्स ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी। इस एनर्जी को अप्रिशिएशन मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, एंड समवन इज कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस टूवर्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। जरूरी नहीं आप मेल फीमेल जो भी है, इस एनर्जी की ओर जिस रिदम में कार्ड आई है, समवन इज कमिंग। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली दिस कुड बी योर पार्टनर, बट अगर आप रिलेशनशिप में हैं सो इट कुड बी मैरिज, बिकॉज ये बाराती लेकर आ रही है। अगर आप मैरिड है तो डेफिनेटली इससे न्यू अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप की नहीं, कुछ करियर, जॉब, कार्य क्षेत्र के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ट्स कार्ड ऑफ विक्ट्री, विक्टोरियस फील कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर, बिकॉज इनको अपॉर्चुनिटी मिला है जो काफ़ी फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी है। चलिए देखते हैं। थैंक यू एस ऑफ कप्स, थैंक यू एस ऑफ कप्स, थैंक यू एस ऑफ कप्स, थैंक यू। अब उप्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक कार्ड गिरा है टेबल से, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। ओके, लेट्स सी, थैंक यू एस ऑफ कप्स, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज एक्चुअली ट्रू ऑफ अर्थ। आप किसी चीज़ को लेकर लॉन्ग टाइम से जगलिंग कर रहे थे, वो दो पर्सन को लेकर बैलेंस आपकी लाइफ में नहीं थी 2021 में माय डियर। किसी चीज़ को लेकर एक, या तो फिर आप सीरियस नहीं थी वो करियर, जॉब को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, उस जगह पर आप एक चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि ये सब कप्स का मतलब ही है एक न्यू बिगिनिंग्स। तो डेफिनेटली वो जगलिंग आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। थैंक यू क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, थैंक यू क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, थैंक यू। करे या ना करे, ऐसी सिचुएशन आपकी थी, आपको क्लैरिटी मिल रही है। वाओ, दिस इज एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की क्लैरिटी में एम्प्रेस आई है माय डियर। क्रिएशन, अबंडेंस, एक्शन, डेफिनेटली फर्टिलिटी स्ट्रांग हो गई क्वीन ऑफ वॉन्ट्स के पास। पैशन की तो कमी ही नहीं है, ये तो एनर्जी है पैशन का, रेड जैस्पर का। एम्प्रेस एनर्जी एक रिबर्थ की बात कहता है माय डियर। मैं शुरू से आपको बोल रही थी, ये सब कप्स को देख कर मुझे वो वाइब्स आ रही, रिबर्थ की एनर्जी, एंड ए बर्थ का ही एनर्जी आई है, फर्टिलिटी, मैरिज,
थैंक यू। किसी का स्टेटस चेंज हो रही, क्वीन यहाँ पर इम्प्रेस हो रही है। थैंक यू। कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बिजनेस हो, कुछ ना कुछ आप एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ऑलरेडी अगर आप 2021 में कर चुके हो, या फिर आपका आपके पास प्लान थी टू ऑफ अर्थ एनर्जी, आप येस और नो आगे जाकर कितना वो फ्रूटफुल होगा, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो 2022 में। एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है माय डियर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ माय डियर। नाइन ऑफ फायर, यस, लॉन्ग टाइम से आप किसी चीज़ की तैयारी में थी माय डियर, बट आप मैदान पे टिके थे एंड दैट्स व्हाई आपको वो सक्सेस मिला है माय डियर। एंड सी दिस, थ्री ऑफ फायर एनर्जी, आप बीच में वो जो नाव है, जो मंजिल है, वो दूर नहीं है। थ्री ऑफ फायर का मतलब ही है गोल्स, एक्सपेंशन, विजन। जो गोल है वो फुलफिल होने ही वाला है, मतलब बहुत जल्द आप बहुत गोल के करीब हो। एंड दैट्स एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड मैं आपको बोल रही थी ना, एक ट्रैवल भी नज़र आ रही है मुझे, या तो फिर कोई पर्सन ट्रैवल कर आ रही है, या फिर आप खुद ही ट्रैवल करोगे डिस्टेंस में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाओगे माय डियर। थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। 2022 क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं ग्रुप नंबर 5 की लाइफ में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। द सन कार्ड हियर माय डियर, सक्सेस रिकॉग्निशन टू टाइम। दिस इज एक्चुअली माइनर एनर्जी, बट द सन यहाँ पर मेजर अर्कना में अपराइट आई है, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन। कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड बैक ऑफ द डेक, दिस इज द टू ऑफ कप्स हियर। डेफिनेटली यहाँ पर परफेक्ट पार्टनर मिलना, कमिटमेंट, रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि सन इज अ सोल, सन इज अवर सोल। तो सोल से यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन, सोल मेट से रिकॉन्सिलेशन। टू ऑफ कप्स एनर्जी हियर, मैरिज काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने जा रही है माय डियर। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस फॉर यू। थैंक यू ग्रुप नंबर 5 के लिए। थैंक यू, क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू, क्या ब्लेसिंग्स हैं 2022 में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वाह, मुझे यहाँ ना ह्यूज रेनबो दिखाई दे रही है, सेलेस्टियल अलाइनमेंट। एंड सी दिस ह्यूज रेनबो, एंड इनके हाथ में एक सनफ्लावर जो सन को यहाँ पर सिम्बलाइज करी माय डियर। सेलेस्टियल अलाइनमेंट, आपके ग्रह नक्षत्र भी अभी अलाइंट होने जा रही माय डियर। कोई फ्रूटफुल 2022 में कोई ट्रांजिशन होगा, एंड जिस पीरियड में आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 5, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, वन मोर कार्ड, थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज एक्चुअली लिबरेशन माय डियर। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में रिलीज होने जा रही है। एंड सी दिस बैक ऑफ द डेक, दिस इज अवेकनिंग। ओ माय गुडनेस, सी दिस, एक गर्भ में कुछ पल रहा है माय डियर। अवेकनिंग की एनर्जी है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, बट लिबरेशन का मतलब ही है थ्री ऑफ शोर्ट्स, सिक्स ऑफ शोर्ट्स की एनर्जी, कि आप बाहर जा रही हो, आप कैवस कन्फ्लिक्ट से आप मुक्त हो रही हो माय डियर। एंड सी दिस नेकेड एनर्जी हियर, नेकेड का मतलब है नथिंग टू हाइड हियर। तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में मिलने जाने, सी दिस सैटर्न एंड जुपिटर एनर्जी मुझे नजर आ रही है। दिस इज एक्चुअली द मरमेड एनर्जी हियर। नेकेड का मतलब ये प्योर सोल, नथिंग टू हाइड, जो मन में है वही जुबान पे है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए अबंडेंस नजर आ रही है। दिस इज ह्यूज रेनबो हियर, सक्सेस हियर। थैंक यू, क्या गाइडेंस है, थैंक यू। ग्रुप नंबर 5 के लिए क्या गाइडेंस है, थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी एनर्जी हियर, थैंक यू। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएंगे, एंड जेमिनी इज अ लवर एनर्जी माय डियर, थैंक यू। रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, थैंक यू। थैंक यू। वो मैट्रिमोनियल साइट हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि जेमिनी इज अ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का मतलब ही है यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल हो सकती है, एंड एज वेल एज कम्युनिकेशन के थ्रू से यहाँ पर आपको टू ऑफ कप्स मिल सकती है माय डियर। ओके, थैंक यू। कंक्लूशन आर विद इन रिच फुल मून एक्लिप्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर कि आप गोल के बहुत करीब हैं। एंड बैक ऑफ द डेक, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स। यस, दिस अ न्यू मून, न्यू बिगिनिंग्स लाइक एस ऑफ कप्स। मैं अब तक को पहले ही बोल रही थी कि ग्रहण लगा है एंड बैक टू बैक एक्लिप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप 2021 या फिर कुछ पास्ट ईयर से ही वो ग्रहण की स्थिति आपकी बनी हुई है। कुछ काम वक्त पर होता नहीं है, या फिर स्टक सिचुएशन, स्टक सस्पेंडेड पॉज मूवमेंट, उस जगह पर आप रिलीज हो रही हो, उस जगह से आप बाहर जा रहे हो। लाइक सिक्स ऑफ शोर्स एनर्जी, कैवस कन्फ्लिक्ट, ब्लेसिंग्स की ओर जा रहे हो माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 5, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।